किस तरह का माहौल है, और ऐसे माहौल में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है और उन्होंने जो कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, उसको हम लोग गति प्रदान करने के लिए और जो भारत जोड़ो यात्रा में आदरणीय राहुल गांधी जी का जो अनुभव रहा और जिस तरह से हम लोगों ने भी कई बार जा करके इंदौर में, दिल्ली में, कश्मीर में आदरणीय आलमगीर आलम साहब और तमाम नेतागण जो है, हम लोग कार्यकारी अध्यक्ष आजादा अनवर जी, सब लोग हम लोग जा करके शिरकत किए थे और उस बड़ी यात्रा से जो एक पूरे देश में माहौल बना है उसको हम लोग घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी आखिर चाहते क्या है। वो चाहते हैं कि देश में एक जो तनाव का माहौल बना हुआ है वो खत्म हो, बेरोजगारी जो चरम पर है वो खत्म हो, जो महंगाई चरम पर है वो खत्म हो। इस नियति से हम सभी लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है, क्योंकि 12 तारीख को जो हम लोग मौन सत्याग्रह किए तो मौन सत्याग्रह में एक नई ताकत और नई ऊर्जा का संचार हुआ। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने मौन सत्याग्रह में भाग लिया और उसके बाद एक प्रयास हम लोगों का है कि हम लोग घर घर तक जाएं। उस निमित्त 16 जुलाई 2023 से हम लोग भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान की शुरुआत प्रदेश के हर जिले में, प्रखंड में करने जा रहे हैं और इसकी समाप्ति 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है उस दिन तमाम जिलों के मुख्यालयों में शिक्षकों को सम्मान देकर के इसका समापन किया जाएगा। जिला के महासचिव प्रभारी, विधानसभा के जो सचिव प्रभारीगण हैं वो इस अभियान की शुरुआत 16 तारीख को अपने अपने जिलों में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा करके करेंगे। पूरे अभियान के दौरान प्रभारीगण, मंडल एवं पंचायत के संगठन की जो पूर्णता की बात हम लोग लगातार करते रहते हैं, जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय अविनाश पांडे जी, उनका लगातार फोकस रहता है कि हमें बूथ तक पहुंचना है और ईमानदारी से पहुंचना है, सिर्फ कागजों में नहीं पहुंचना है। तो हमने अब तक मंडल की कवायद पूरी कर ली है लगभग, और पंचायत में भी आधे पंचायतों का की कमेटी बन गई है, जो बाकी बचे हैं उसको बनाने का भी काम इस दौरान जो जिन लोगों से मुलाकात होगी उनके साथ मिल करके इस काम को भी हम लोग पूरा करेंगे। साथ ही साथ जो घर घर मिलेंगे और जो जन मुद्दों पर बात करेंगे, जो राहुल जी की बात करेंगे, जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे, उसकी तस्वीर भी हम लोग सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, ताकि जो लोगों की भावना है कि संदर्भ में उनसे चर्चा हुई है वो सभी लोगों तक पहुंच पाए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक तपस्वी की तरह पूरे देश को जोड़ने की कवायद शुरू की, उसको हम घर घर तक नहीं पहुंचाएं तो हमें ये लगेगा कि जो लगभग 5 महीनों तक लगातार सड़क पर रहे, लोगों से दुख दर्द बांटते रहें, लोगों की समस्याएं भी सुनते रहें और लगातार पदयात्रा, इतनी बड़ी पदयात्रा की, उनके साथ हम इंसाफ नहीं कर रहे। तो उनके बातों को पहुंचाने के लिए जो हम लोगों को
करना है वो 7 सितंबर को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और यात्रा के शुरुआत में ही भाजपा नेतृत्व केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह के व्यवधान पैदा किए गए और जब भारत जोड़ो यात्रा की सफलता दिखाई देने लगी तब कोरोना का डर भी उनको दिखा करके कोरोना का हवाला देकर इस यात्रा को रोकने की भी कोशिश की गई। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद बावजूद न वो झुके न वो रुके न वो डरे और लगातार पैदल चलते रहे। कश्मीर जब पहुंचने वाले थे तो कश्मीर पहुंचने से पहले सुरक्षा का हवाला दे करके हम सभी को रोका जा रहा था। हम लोग जाने से पहले कई बार कई तरह की बातें आई कि उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा, श्रीनगर नहीं पहुंचने दिया जाएगा, लाल चौक पे नहीं जाने दिया जाएगा। बावजूद आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने गंतव्य पर पहुंच करके जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश देना था उसको देने का काम किया और हम लोग उसमें लगभग सफल रहे। और इसी को देख करके एक बार फिर भाजपा नीत सरकार ने एक प्रयास शुरू किया और उनकी घबराहट इतनी बढ़ गई कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय से जो निर्णय आया उसके 24 घंटे के अंदर उनके लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। शायद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि शायद ही नहीं, मैं पूरे पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि वो एक पहली घटना थी जिसमें 24 घंटे के अंदर निर्णय लिया गया। उसके बाद उनका मकान खाली कराया गया, आपने देखा पूरे देश में किस तरह से लोगों ने स्वागत किया, हर घर पे लिख दिया कि राहुल जी मेरा घर आपका घर, और आदरणीय राहुल गांधी जी को सर माथे पे बिठाया। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम जो जिले के कांग्रेस जन हैं, जो जिले में बुद्धिजीवी रहते हैं, जो समाज सेवी हैं, जो पत्रकार मित्र हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उन सभी के घरों पर जाकर के मिलने का काम करेंगे। इसमें एक स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि पूरे साधारण व्यक्ति की तरह हम घर घर जाएंगे और उनके घर में बात करेंगे, उसमें कोई तामझाम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं तो उनके साथ 50 लोग जाएं, जिला अध्यक्ष जी जा रहे हैं उनके साथ 50 लोग जाएं, बिल्कुल इंडिविजुअली, चाहे वो जिला का अध्यक्ष हो, चाहे जिला का उपाध्यक्ष हो, जिला का महासचिव हो, सब अपने अपने लेवल से, और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी चाहे उपाध्यक्ष हों, चाहे महासचिव हों, चाहे सचिव हों, चाहे कार्यकारिणी के सदस्य हों, चाहे कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य हों, सभी लोगों को जाकर के अपने रिच के हिसाब से इस आउटरीच प्रोग्राम को चलाना है। और हम लोग को ऐसा विश्वास है जिस तरह से संगठन मजबूत हुआ है, संगठन के कवायद जो हम लोग संगठन सशक्तिकरण का वो कर रहे थे वो पूरी की गई है, उस हिसाब से हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम लोग इसमें सफल होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।